राम की नगरी अयोध्या में बनने वाला प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आस्था का प्रतीक तो है ही, इस मंदिर से बहुतों को रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से राम मंदिर के मॉडल की मांग बढ़ गई है। यह बढ़ी हुई मांग ही तमाम लोगों के लिए रोजगार का साधन बन गई है। यूपी के बाराबंकी में भव्य राम मंदिर का 3D मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिससे तमाम महिलाओं और बालिकाओं को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। लगातार देश विदेश से राम मंदिर के 3D मॉडल के ऑर्डर मिल रहे हैं। जनपद बाराबंकी में देवा क्षेत्र के रजौली गांव में समूह की महिलाओं और बालिकाओं के लिए मंदिर का 3D मॉडल रोजगार का सशक्त माध्यम बन गया है। मंदिर के 3D मॉडल का निर्माण कार्य में लगी बालिका गोल्डी और रूबी का क्या कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। जी गोल्डी जी, पढ़ाई भी करते हैं और मंदिर भी बनाते हैं। जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर बनाते हैं। एक मंदिर के 25 रुपये मिलते हैं और दिन भर में कम से कम 10 मंदिर बना लेते हैं, तो कम से कम 250 रुपये का काम हो जाता है। जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारे मंदिर बनते हैं तो बिकते हैं, सब लोग खरीदते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी मिल रही है। सर हमारा नाम रूबी है और हम इसी गांव के रहने वाले हैं, और हम घर से आते हैं सुबह 7 बजे या 10-11 बजे, किसी मतलब ज़्यादा समय भी आ जाते हैं या किसी दिन जल्दी आ जाते हैं। हम यहाँ राम मंदिर बनाते हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है और हमको मतलब रोज़गार भी मिल गया है, और हम अपने घर का भी काम करते हैं और मतलब थोड़ा बहुत हमारे खेती भी है उसका भी करते हैं। उसके बाद समय निकाल के यहाँ आते हैं और बनाते हैं, यहाँ मंदिर बनाते हैं, उसके बाद घर भी ले जाते हैं, घर में भी समय निकाल के रात को बनाते हैं। फिर जो बचता है समय मतलब ज़्यादा है काम वो है तो हम घर पर भी बनाते हैं, फिर यहाँ आते हैं और थोड़ा बहुत यही काम करते हैं, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सर को बहुत खुशी हो रही है और सर की हमारे बनाए हुए मंदिर मतलब राम मंदिर बनाए हुए लोग ले जाएंगे अपने घर वहाँ से, मतलब तो हमको बहुत खुशी कि हमारे बनाए हुए राम मंदिर लोग अपने घर ले जा रहे हैं, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही इससे जुड़ी वस्तुओं की मांग भी काफी बढ़ गई है, इसमें राम मंदिर का 3D मॉडल भी शामिल है। मंदिर के 3D मॉडल निर्माण कार्य में लगी महिलाओं और बालिकाओं का कहना है कि वह अपने घरेलू कार्यों से समय निकालकर दिन में कम से कम 10 मंदिर बना लेती हैं। उन्हें प्रति मंदिर 25 रुपये के हिसाब से मेहनताना मिल जाता है, इससे वह दिन भर में लगभग 250 रुपये की कमाई प्रतिदिन कर ले रही हैं। 3D मॉडल के निर्माण कार्य में लगी बालिका सरिता और महिला सुमित्रा का क्या कहना है, उसे भी सुन लेते हैं। हमारा नाम सरिता है, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं और यहाँ पे कटिंग आती है तो हम लोग बनाते हैं, और दिन भर में 10-12 काम करके घर का भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, समय निकाल के 10-12 मंदिर बना लेते हैं। और जैसे अयोध्या में मंदिर बना है हमें बहुत खुशी है, उसके जो वहाँ मतलब कारीगर बनाते हैं, हाँ हम लोग उसकी मतलब कटिंग आती है तो हम लोग बनाते हैं, और वो सब हर घर में जाके मतलब जाएगा, बाजार में बिकेगा, फिर घर में लोग लाएंगे तो सजाएंगे उसे, जैसे हमारी भी मतलब वो होगी, सब लोग ऐसे ही मतलब खरीदेंगे बाजार में, और जो जौने हिसाब से जैसे बाजार में बिकेगा उसी हिसाब से हम लोगों का भी काम आगे बढ़ता जाएगा। एक मंदिर का 25 रुपया मिलता है और दिन में मतलब 10-12 हो सकते हैं बन जाते हैं आराम से, और समय घर पे यहाँ भी आते हैं, फार्म भी बनाते हैं, समय निकाल के मतलब घर पे ले जाते हैं, जब यहाँ नहीं मौका आते तो घर पे उठा ले जाते, तो घर पर बनाते हैं। पढ़ाई, घर का काम और प्लस रोजगार गांव में मिल गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अयोध्या में बन रहा है तो वहाँ कारीगर बनाते हैं, यहाँ हम लोग उसकी वो बनाते हैं। हमारा सुमित्रा है, हमका बहुत अच्छा लगा थे बनाने में, और अपने घर का काम करके मतलब 10 बजे आ जाते हैं यहाँ, 5 बजे फिर छुट्टी कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं, और यहाँ दिन भर मतलब काम करते हैं, काम करे में हमका मतलब घर बैठे खुशी है, और बनाने में 25 रुपये मिलते हैं हमका, 25, 10, 250। अब अपने हम खेती बाड़ी कर करके थे, जैसे हमका काम दे देते तो घर पर अपने ले जाके यहाँ कर लेते हैं, अपनी खेती को काम करते हैं, अपन मंदिरों बना ली समय निकाल के यहाँ, तिपरों हम 8-8 बन जाते हैं दिन भर में, जैसे खेती काम करके हैं तिपरों 8-8 बनाए डाले दिन भर में। हमका बहुत अच्छा लागत है काम करे में, आराम मंदिर जैसे अयोध्या जी माँ बन रहा तो हम यहाँ भी बना रहे, को अच्छा लगेगा हमको भी अच्छा लगेगा। बाराबंकी के रजौली गांव में मंदिर का जो भव्य 3D स्वरूप तैयार हो रहा है वह देखते ही बनता है। दरअसल मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड यानी कि MDF वुड जो पतली प्लाई की तरह होती है, इससे मंदिर का 3 मंजिला भव्य 3D स्वरूप तैयार किया जा रहा है। लेजर तकनीक से पहले मंदिर के हर हिस्से की बारीक कटिंग होती है, फिर उन हिस्सों को समूह की महिलाओं में दिया जाता है, जहां महिलाएं मजबूत बॉन्ड से उसके एक एक हिस्से को जोड़ती हैं।
इस काम में महिलाओं को करीब 1 घंटे का समय लग जाता है। लेजर तकनीक से तैयार मॉडलों में बारीक नक्काशी भी साफ दिखती है। गांव में 3 अलग अलग साइज में मंदिर के 3D मॉडल तैयार करवाए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 5,000 मंदिर के मॉडल का ऑर्डर आ चुका है। ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजगार को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए राम मंदिर के 3D मॉडल के साथ लोगों को श्रीराम ज्योति के तौर पर दीपक भी दिए जा रहे हैं। महिलाओं से मंदिर का 3D मॉडल बनवाने वाले हरिओम शर्मा और समूह को रोजगार देने वाले निमित सिंह का क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए। सर, मेरा नाम हरिओम शर्मा है और अयोध्या में जो राम मंदिर बनना है उसी का हम लोग 3D मॉडल बनाते हैं। उसमें जो है यहाँ पे महिलाएं हैं तो उन लोगों को भी ये ट्रेनिंग दे देते हैं पहले से, ये ऐसे बनता है। और उसके बाद अभी 10-15 लोग हैं तो उसमें करीबन, वैसे वहाँ रहता है तो वहाँ का लोग एक ही बार जाएंगे, लेकिन जो हम लोग बना रहे हैं सर तो उसमें वहाँ तो जाएंगे साथ में ये अपने घर पे भी सजाएंगे, तो उस हिसाब से वो लोग जब जब उठेंगे सुबह या फिर शाम में दिन में अपने घर पे देखेंगे तो जब वहाँ गए होंगे तो वहाँ की यादें जो हैं वो ताज़ी हो जाएंगी। सर, अभी तो 100 पीस के आसपास तैयार हो जाते हैं और करीबन 10-15 महिलाएँ हैं जो वो लोग बनाती हैं। अगर उसमें जो कमियां होती, चीज़ें होती, वो मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। सर, अभी तो नया है तो अभी 25 रुपये देते हैं इसका, फिर जैसे जैसे उन लोगों में स्पीड आ जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, तो उस हिसाब से वो लोग डेली का 250-300 रुपये तो 400 रुपये कमा लेती हैं। और उसमें ये भी नहीं रहता सर किसी का टारगेट है कि इतने बनाना ही बनाना है, घर के सारे काम करने के बाद भी उनके सब पास समय मिला तो भी 5-10 मंदिर वो लोग कंप्लीट कर देती हैं। सर, कटिंग तो हमारी लखनऊ से होती है, ऑर्डर इंडिया मार्ट से हो जाते हैं ऑनलाइन वगैरह, और निमित सर भी ऑर्डर दे देते हैं तो उससे फिर ऑर्डर लाइन ऑफ रहते हैं। टोटल सर हमारे लगभग एक दिन में तो 100 मंदिर तैयारी हो जाते हैं, और अगर ऑर्डर्स ज़्यादा लाइन ऑफ हैं तो उसके वजह से फिर और प्रेशर करते हैं तो उसमें और भी क्वांटिटी हमारी तैयार हो जाती है। रिस्पॉन्स तो सर बढ़िया आ रहा है, मतलब लोग देख रहे हैं तो जो है अच्छा लग रहा है उनको, मतलब क्योंकि वहाँ का क्या है, वहाँ वाला तो जो है जैसे वहाँ का 3D मॉडल है, मतलब एक सब अंदर से बाहर दिखता रहता है, वैसे ही ये भी है, तो इसलिए लोग अपने घर में रखने के पर्पज़ से काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। जब दिखाते हैं तो उन लोगों का चेहरा ऐसी ग्लो कर जाता है कि हाँ मेरे घर पे भी रहेगा, तो वो लोग जो है काफ़ी अच्छा लगता है उन लोगों को। डिमांड काफ़ी है। जी सर, डिमांड काफ़ी इसकी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर इसमें। मेरा नाम निमित कुमार सिंह है और मकसद ये है कि जो हमारे साथ समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कि मधुमक्खी पालन और ये दीपक बनाती हैं, उनको ये था कि श्रीराम मंदिर इस समय जो कि एकदम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो हमसे कॉर्पोरेट गिफ्ट लेते हैं तो उनका यह था कि रिटर्न गिफ्ट की तरह राम मंदिर वो अपने लोगों को देना चाहते थे। तो ऋचा अग्रवाल जी हैं जो कि इसमें इसकी कटिंग करती हैं लेज़र के थ्रू, तो उन्होंने कटिंग करके मुझे दिया। उन्होंने कहा कि क्या ये समूह की महिलाएं असेंबल कर सकती हैं, तो हमने कहा बिल्कुल। हमने 10-1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी महिलाओं को, तो बड़े आराम से महिलाओं ने इसको सीखा और सीखने के बाद असेंबल करना चालू कर दिया। तो लगभग अभी तक 500 मंदिर हमने महिलाओं से बनवाया है। हमारा 5,000 का टारगेट है कि 22 तारीख तक हम 5,000 मंदिर बनवा लें, जो कि हमारे पास ऑर्डर है, और महिलाएं इसे असेंबल करती हैं और डेली जितना बनाती हैं हम ये मंदिर हम लखनऊ अपने वहां पे भेज करके और आगे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिसमें एक मंदिर को बनाने का एक महिला को, अगर सबसे छोटा मंदिर है तो 25 रुपये और सबसे बड़ा मंदिर है तो 30 रुपये एक महिला को समूह को हम देते हैं। महिलाओं को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, महिलाएं बड़े उत्साह से, क्योंकि एक हमारी भावनाओं से भी राम मंदिर जुड़ा हुआ है, तो महिलाएं बड़ी श्रद्धा से इसको बना रही हैं और इसको बनाने में कोई चूक ना हो। और इस पैक को राम मंदिर के साथ साथ इन लोगों ने एक ऐसा ही पैक बना दिया, साथ में दीपक भी दे दिया है जो कि श्री राम ज्योति के तौर पर हर सब सारे लोग अपने घरों में भी दीपक जलाएंगे और मंदिरों में भी जलना है, तो राम मंदिर के साथ साथ हम दीपक भी दे रहे हैं उसी पैक में, 5 दीपक एक साथ एक पैक में करके हम दे रहे हैं लोगों को। अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग काफ़ी उत्साहित होकर के ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले 22 तारीख तक हमारे पास इतना ऑर्डर रहेगा कि हम शायद ऑर्डर पूरा भी ना कर पाए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।